समर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुज कुमार गोस्वामी। आज बात करेंगे इस कच्चे मार्ग को लेकर, इस रास्ते को लेकर हम बात करेंगे। अगर हम पहले इस रास्ते की जगह, मैं इधर का थोड़ा एरिया दिखाने के कहूंगा कैमरामैन से, इधर का एक बार दिखाएं, थोड़ा इस रास्ते को और दिखाएं। अगर हम इधर की बात कर ले तो इधर गाँव पड़ता है बांस का कला, और बांस का कला की यदि बात करें तो उससे आगे भी दर्जनों गांव पड़ते हैं जो ये मार्ग उन गांवों को इस गांव से जोड़ता है। और इस गांव की यदि हम बात करें तो ये अमरोहा जनपद के तहसील हसनपुर के विकास खंड गंगेश्वरी का गांव है, पतेई खादर, ग्राम पंचायत पतेई खादर है। और यहाँ से अचानक मैं निकलने के बाद में हमारे साथ जो महोदय थे उन्होंने कहा, बोले इधर से नहीं निकलते, इधर से निकल लेते हैं। मन बना, देखा कि यहाँ से जो अगर हमें रास्ता चेंज करना पड़ रहा है तो आखिर कारण क्या है। बाइक को खड़ा किया, खड़ा करने के बाद हम थोड़े आगे तक गए तो देखा तो जल भराव की यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है, और स्थिति यह है कि यहाँ से बाइक का निकलना दुश्वार है, बाइक यहाँ से नहीं निकल पाएगी। तो इसीलिए रास्ता परिवर्तन करना पड़ रहा है। अब यदि या तो रास्ता चेंज करें या मुद्दा बनता है कि हम इस रास्ते को सही कराएं। अब हम तो इसको सही कराएंगे नहीं, हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको, इस रास्ते को सरकार तक पहुंचाएं और दिखाएं, अधिकारियों को भी ये दिखाया जाए कि कैसे ग्राम पंचायतों में घोटाला अभी भी हो रहा है। ये बात केवल मैं इसलिए कह रहा हूं घोटाले की, क्योंकि इधर की बात कर ले, यहां से जस्ट इधर देखते हैं तो रास्ता बढ़िया है, उधर से थोड़ा आगे जाते हैं तो रास्ता बढ़िया है, लेकिन एक बीच का पोर्शन, लगभग 200 फीट का पोर्शन है, ये 200 से 250 फीट का पोर्शन है बीच का, जो खराब है। अब इसमें पूरे का पूरा लगभग इतना जल भराव है, तो इतना जल भराव आखिर क्यों है, आखिर ये रास्ता क्यों नहीं बना? या तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक है, या तो अगर बात कर ले राजनीतिक मुद्दा यहाँ रहा होगा, आपस में इधर से उधर वाली बात रही होगी कि भाई इसने मेरे को वोट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इसलिए ये नहीं बना। या फिर दूसरा कारण इसका भ्रष्टाचार है। और दूसरी बात, यहाँ के हम इंजीनियरों की भी कर लेते हैं, भाई जब इधर भी रास्ता बना, उधर भी रास्ता बना, दोनों तरफ ऊंचा है, तो फिर ये बीच में रास्ता नीचा क्यों? जस्ट इसके बराबर में तालाब आ जाता है। अगर हम तालाब की बात कर लें, इसके जस्ट तुरंत बराबर में तालाब है, और ये तालाब का जल इसमें आ रहा है, जबकि सब जगह तालाब में जल जाता है गाँव का, लेकिन तालाब का जल उल्टा रास्ते पर आ रहा है, ये भी एक सवाल है भैया। ऐसा भ्रष्टाचार आखिर कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? यहाँ के कुछ ग्रामीण भी मेरे साथ हैं, मैं इनसे ही बात कर लेता हूँ। कुछ ग्रामीण हैं मेरे साथ और मैं इनसे बात कर लेता हूँ। इसी गांव की स्थिति यही लोग बताएंगे, भैया उली तरफ आना, बीड़ी वालों इसको, बीड़ी को फेंक दो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या नाम है? महावीर नाम। उधर देखो कैमरे की तरफ, देख रहे हैं। क्या नाम है? महावीर नाम है। महावीर जी, जिस रास्ते पे हम इस समय खड़े हैं, ये रास्ता कब से इस स्थिति में है? अरे यहाँ को तो हो लिए 2 साल, हो लिए पूरे 2 साल से ज्यादा हो गए, पानी में लिख रहा ही नहीं जाता। क्या किसी ने इस पे गौर की? अरे नू कहते हैं मिल वाले कराएंगे। सही, मिल वाले क्यों कराएंगे? नू है पर्ची लिख लें। किस किन लोगों से आपने कहा? अरे ये गाँव के प्रधान उर्धानों से, या महेंद्र है के भी गए होंगे। यानी कि अगर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी की हम बात करें तो महेंद्र सिंह खड़गवंशी से भी कहा, तो महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने क्या कहा? कह रहे पड़ जाएगा, पड़ा है नहीं अभी, नाला तो बना लगाओ सब। कितने समय पहले की बात है जब महेंद्र सिंह खड़गवंशी से ये बात कही गई? होली साल भर। यानी कि सवाल केवल ग्राम प्रधान पे नहीं उठता, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं, और 2017 के मार्च में सरकार बनी थी उस समय ये चुनाव जीते थे, 2022 में दोबारा से चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। 5 वर्ष गुजर गए, जबकि 1 वर्ष पहले ग्रामीणों ने उनसे कहा था, लेकिन अभी तक विधायक ने कोई इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि अगर विधायक चाहता या विधायक चाहे तो इसको 15 दिन के अंदर इस पानी को यहाँ से सुखा सकता है, इस रोड को बनवा सकता है। दूसरे ताऊ जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है? मेरा नाम लल्लू। लल्लू नाम है ताऊ, कब से यहाँ पर रह रहे हो? यहाँ साहब, यानी मेरे तो 80 से ऊपर चली गई उम्र। 80 साल से ऊपर के हो जी। अच्छा, ये जो यहाँ पे पानी देख रहे हैं, ये साहब इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है, ये पानी ख़त्म हो जाना चाहिए तो यानी जिंदगी हो जाएगी हमारी, हम लोगों की। कब से है ये पानी की स्थिति? ये 2 साल से ज़्यादा हो गए। 2 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, आपने 80 साल यहाँ पर काट दिए, आपका घर किधर है? यहाँ से घर हमारा साहब इधर है। और इधर से क्या करने आए थे? इधर जंगल खेती है हमारी। इधर आपकी खेती है और इधर घर है, बीच में आपके ये गारा पड़ता है, तो फिर आप यहाँ से निकलते कैसे हो? बहुत दिक्कत पड़ती है साहब, ऐसा आते हैं उधर को, तो कोई चक्रोड जा रही है, ऐसा आते हैं घूम।
लगभग कितनी दूरी का मार्ग है जो परिवर्तन करना पड़ता है? आते हैं नहीं तो पानी में चलना है साहब। कितना अंतर पड़ जाता है उधर से निकलने में? बहुत टाइम पड़ता है साहब। उधर कोई पक्का रास्ता है या उधर भी कच्चा? कच्चा जी, कच्चा। उधर भी कच्चा रास्ता है, यानी कि केवल और केवल आदमी को यदि अपने घर से खेत पे जाना पड़ रहा है तो उसको रास्ता परिवर्तन करना पड़ रहा है। जबकि हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को। घोटो घोटो पानी में चल रहा है जी। जी पानी में घोटो घोटो में चल रहा है, जो सीधे चलेंगे तो। और ये पानी इतना गंदा है, यानी सब टांगे खुजाती हैं। टांगे खुजाती है, पानी तो गंदा होगा ही, क्योंकि शौचालय भी घर घर में आज बने हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान का नारा तो सरकार देती है और हमारे पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी भी स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हैं, लेकिन वो नारा कहीं भी सफल होता नहीं दिखाई देता। लेकिन सवाल सरकार से हम फिर दोबारा से पूछेंगे कि भाई हम बाइक चलाते हैं, बाइक पे टैक्स जमा करते हैं, बाइक पे हम टैक्स जमा करते हैं, और यदि बात कर ले पेट्रोल की तो पेट्रोल पे भी हम सरकार को टैक्स देते हैं। अब हर एक वो व्यक्ति जो गांव में रहता है या शहर में रहता है या जो व्यक्ति रोड पे चलता है वो सरकार को टैक्स देता है, और जब वो लोग सरकार को टैक्स देते हैं, एक स्थिति बाइक भी सामने से आ गई, इसको भी एक बार देख लेते हैं। बाइक तो निकल गई, लेकिन अगर टैक्स की अगर हम बात, अभी टैक्स की हम बात कर रहे थे, हम सरकार को देते हैं टैक्स, और जब हम सरकार को टैक्स देते हैं तो हमारा दायित्व बन जाता है सरकार से पूछना कि भैया हम ऐसे गंदगी में क्यों चलें, आखिर ये सब कब बदलेगा या यूं ही भ्रष्टाचार होता रहेगा भारत में? अमरोहा जनपद में ना जाने कितने गांव ऐसे हैं जहां लोग निकलने में भी दुश्वार हैं, लेकिन इसी के अगर जस्ट बराबर की हम बात कर लें तो एक झोंपड़ी दिखाई दे रही है, इसको झोंपड़ी हम मैं कहूंगा क्योंकि है भी झोंपड़ी। भैया है कोई इस घर में क्या? किधर गए? आना जरा, क्या नाम है तुम्हारा? जी सर मेरा नाम गंगावीर है। गंगावीर जी ये क्या है? ये जी घर है हमारे रहने का। ये कैसा घर है? ऐसा ही घर है जिसमें समय काट रहे हैं। समय काट रहे हो? घर कैसा है यानी कि समय काट रहे हैं साहब, ऐसा घर है ये। अच्छा काम क्या करते हो? जी काम पहले तो कला का काम था, खेल करते थे। अब करीबन मुगल जी की प्रधानी में ये जगह मिली थी हमें, करीबन 28 से 30 साल हो गई है और यहीं पर रह रहे हैं। जमीन वगैरह नहीं है क्या तुम्हारे पास? नहीं जी कुछ नहीं है। जमीन वगैरह इनके पास नहीं है। घर की अगर स्थिति हम देख ले तो बहुत अच्छी स्थिति है, हालांकि अच्छी स्थिति इतनी ज्यादा है कि भाई बराबर में समुद्र है, बराबर में समुद्र है। अगर कहीं आप, अगर आपको जाना है ना और कहीं की अगर सैर करानी है तो आप कहीं मत जाइए, कुल्लू मनाली भाई समुद्र की लहरों में कहीं मत जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आ जाओ अमरोहा जनपद के तहसील हसनपुर के गांव पतेही खादर में, और पतेही खादर में गांव में आने के बाद में आप केवल और केवल गंगा राम जी के घर पे आ जाओ, और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो झरने आपको मिल जाएंगे, झरने आपको मिल जाएंगे क्योंकि पेड़ खड़े हैं और बिजली खड़ी है। और यदि हम तुरंत बराबर की बात कर लेंगे तो समुद्र आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समुद्र आपको मिल जाएगा, और बाकायदे बड़े अच्छे तरीके से जीवन आप यहाँ पर जी सकते हैं। नालायकी और निकम्मी सरकार, नालायकी और निकम्मी सरकार, और यहाँ के निकम्मे विधायक, यहाँ के निकम्मे विधायक और निकम्मे ग्राम प्रधान, 30 सालों में 5-6 ग्राम प्रधान यहाँ पर रह चुके होंगे। क्या किसी को दिखाई नहीं दिया ये मकान भाई? कभी कॉलोनी वगैरह नहीं मिलती क्या गंगाराम? नहीं जी वो तो बहुत दूर की बात है, कभी सरकारी नल नहीं लगा। कॉलोनी तो बहुत दूर की बात है, कॉलोनी बहुत दूर की बात है, कभी सरकारी नल यहाँ नहीं लगा। अगर इस जगह नल प्राइवेट लगवाए भी दिया जाए तो कितने रुपए लगा सकता है आदमी? 5,000-7,000, और उसमें कितने फीट होगा? 30 फुट 40 फुट, 30 फुट 40 फुट से पानी तो यहाँ निकल ही आएगा, यहाँ पानी 10 फुट पे भी निकल ही आएगा, और 10 फुट भी करने की जरूरत नहीं, पानी तो भाई बह रहा है, समुद्र है तैयार यहाँ पे, समुद्र तैयार है यहाँ पे, बड़े अच्छा पानी है, बड़ा शुद्ध पानी है ये। अरे निकम्मी सरकार हो, अरे निकम्मे विधायक हो और निकम्मे ग्राम प्रधान हो, कम से कम एक बार ऐसे लोगों के जीवन को आप एक रात रह के तो देखो जरा, इसमें आपको लगेगा पता। कम से कम आप बातें करते हो, कहते हो जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, इतने कॉलोनी दे दी, कहाँ दे दी कॉलोनी भाई? ये मैं मकान देख रहा हूँ, बहुत अच्छा भवन बना हुआ है। वोटिंग के टाइम पर नेता आते हैं। केवल और केवल चुनाव की बात करते हैं, चुनाव 2022 की शुरुआत हो चुकी है, टिकट के लिए दावेदारी करने लगे हैं, कोई कहता है टिकट मुझे दो, कोई कहता है टिकट मुझे दो, आएंगे पैर पकड़ेंगे जनता के, कहेंगे जी हम आपके और आप हमारे, लेकिन चुनाव जीतेंगे और चले जाएंगे, कहेंगे जी आपको हम नहीं जानते। केवल 5 वर्ष आनंद लेने के लिए आप सरकार का, आप जनता का पैसा खाने के लिए आप सरकारों में आते हो क्या?
यही सब इस तरीके कब तक इस तरीके से चलता रहेगा। समर इंडिया के लिए हसनपुर अमरोहा से अनुज कुमार गोस्वामी।